भाई एजेंडा के चर्चा के साथ साथ एक बात जो महत्वपूर्ण है जो आज हमने विचार कर ली है, फाइनल किया है जिसको, कि इस बार का जो बजट सेशन है 2 मार्च से और शुरू करने के लिए प्रस्तावित किया है। हमारी जो ये प्रस्तावना है ये स्पीकर साहब को, गवर्नर साहब को जाएगी, क्योंकि वर्ष का ये जो पहला सत्र है तो इसमें गवर्नर साहब का भी एड्रेस होता है। राज्यपाल अभिभाषण 2 तारीख को सबसे पहले दिन उन्हीं का अभिभाषण प्रस्तावित है, फिर बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि उसको बजट सेशन को कब तक चलाना है, कितने दिन चलाना है। जहाँ तक विषयों का सवाल है, एक शुगर अपना शाहबाद शुगर मिल में 60 KLPD का एथेनॉल प्लांट लगाया है, उसमें कुछ राशि की उनको आवश्यकता थी, लगभग 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है कि जिसको आवश्यकता पूरी करते हुए ये उनको मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार एक दूसरा विषय के संस्कृत में आचार्य और स्कूल कैडर में संस्कृत आचार्य MA और संस्कृत का उसका दूसरा था शिक्षा शास्त्री तो शिक्षा शास्त्री को हमने कैडर माना बीएड का और आचार्य को MA के बराबर माना है। तो ये सैद्धांतिक सहमति पहले हो गई थी, आज इसको कैबिनेट में रख करके इसको हमने फाइनल किया है। तो संस्कृत के वो जो आचार्य और शिक्षा शास्त्री हैं उनको कठिनाई आ रही थी संस्कृत के भर्तियों में और प्रमोशन में, अब ये रास्ता उनका सब खुल गया कि उनको भर्तियों में भी प्रमोशन में भी शिक्षा शास्त्रियों को और आचार्यों को बराबर की एक सुविधा दे दी गई है। पंजाब डिस्टिलरी एक्ट है बना हुआ, नियमावली है 1932 की, उसमें कई प्रावधान होते हैं। तो एक प्रावधान आज ये किया गया है कि सभी जो डिस्टिलरीज हैं वो अपनी जो सिपरेट बनाते हैं, शराब बनाते हैं, उसमें कई बार कितनी बनी कितनी नहीं बनी और कई प्रकार की उसमें जो गड़बड़े होने की जो संभावना है उसको दूर करने के लिए उनकी जो निर्माण यानी जो सिपरेट का निर्माण है वो जो द्रव्यमान प्रवाह जो है उस पर फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। फ्लो मीटर लगने के बाद किस फैक्ट्री में कितना उन्होंने तरल पदार्थ वहाँ से पास किया है उसकी अकाउंटिंग वो एकदम सुनिश्चित हो जाएगी, अर्थात किसी प्रकार की जो चोरी की, गड़बड़ की, इलीगल शराब बेचने की जो संभावनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये भी एक प्रावधान इसके लिए किया है। जैसा केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे पुराने कानून हैं जिनकी आज उपयोगिता नहीं है, वर्षों वर्ष से पुराने एक्ट बने हुए हैं लेकिन कभी भी किसी सरकार ने आकर के उनको निरस्त नहीं किया। तो ऐसा लॉ कमीशन के यानी संतुति पर हमने भी यहाँ हरियाणा में जो बहुत पुराने पुराने एक्ट थे ऐसे एक्ट्स में से 20 एक्ट को रिपील करने का निर्णय किया है।